मैं आमिर नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। हम एक ऐसी जगह पे आज यहाँ पर आए हैं जहाँ पर एक लाइब्रेरी है। एक्चुअली हम यहाँ पहुँचे इसलिए है कि एक मैसेज सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से घूम रहा है जो गोवंडी से रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर विजन गोवंडी, अगर लाइब्रेरी 1 मार्च तक नहीं मिली तो 5 मार्च को हम आंदोलन करेंगे और ये चेतावनी है, निवेदन नहीं। इस तरीके का एक SMS शेयर हुआ था, व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुप्स में आया था, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी देखा गया। तो इसकी वजह जानने के लिए कि धमकी है, चेतावनी है या फिर निवेदन है, इसीलिए हम बात करने के लिए जिसने इसको पोस्ट किया था उनका नाम है अतीक, जिनको लोग राशन मैन के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं कि क्या माजरा है और क्यों इस तरीके का मैसेज सर्कुलेट किया गया। अतीक सर, थोड़ा सा अटेंशन चाहेंगे आपका। एक मैसेज अभी आपने सोशल मीडिया पे डाला है जिस पर लिखा हुआ है स्टूडेंट फ्यूचर विजन गोवंडी, अगर लाइब्रेरी 1 मार्च तक नहीं मिली तो 5 मार्च को हम आंदोलन करेंगे और ये निवेदन नहीं चेतावनी है। तो क्या मतलब, क्या चीज़ें हैं ये? चेतावनी इसलिए है कि काफ़ी टाइम से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रास्ते पे मिलकर ओरली हम बात करते हैं, नगर सेवक के लोगों से बोलते हैं, MLA साहब के लोगों से बोलते हैं और वो सिर्फ बातों को टाल रहे हैं। इस जो लाइब्रेरी की हम डिमांड रख रहे हैं, 2019 सितंबर में इसका उद्घाटन हुआ था और वो जस्ट इलेक्शन से थोड़ा दिन पहले हुआ था और उसके बाद उसको MLA साहब या नगर सेवक जो यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर हैं वो या BMC के लोग इस तरह से भूल गए जैसे वहाँ पर कभी लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ नहीं था। और आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे कि बच्चे जो हैं नेट के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं, MBBS की सीट निकाल रहे हैं शिवाजी नगर गोवंडी के अंदर से। अभी कल हमारे यहाँ से इसी लाइब्रेरी से इसी स्टडी रूम से पढ़कर 2 स्टूडेंट्स ने GRF क्वालिफाई किया और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UPSC MPSC बैंकिंग के लिए या LLB के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, 12th है, 10th है, मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए गोवंडी के स्टूडेंट जो है वो खुद स्टडी कर रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर काम करते हैं, जॉब करने के बाद आकर वो ग्रेजुएशन में है, करस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन कर रहे हैं, शाम में उनको पढ़ने की जगह चाहिए होती है, 6 बजे के बाद उनको अवेलेबल नहीं होता है तो वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर रात को ये जो जगह है जहाँ पर आप खड़े हैं 24/7 चालू है और यहाँ पर रात को अभी आप देखिए 9:30-10 बज रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पर बैठ कर पढ़ रहे हैं और ये सिलसिला 12:30-12 बजे तक चलता रहेगा। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरा इस तरफ से घुमाया जाए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो लाइब्रेरी है, तो इस लाइब्रेरी का कैसे मतलब भी कौन सी कैसे इसका एक्सपेंसेस कैसे बैर करते हैं? हाँ, इसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं आता है मुझे। ये हम लोग 2020 से, उसके पहले से चल रहा था लेकिन 2020 से इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया एक स्टडी रूम के तौर पर। इस रूम का पूरा 8,000 रुपये किराया है और तकरीबन 1500 से 1600 रुपये तक का लाइट बिल आता है, मतलब मोटा मोटा अगर आप मान लें तो 10,000 रुपये से ज़्यादा कभी ऊपर जाता नहीं है। अब इसका एक्सपेंसेस बेयर ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, मैं चाहूँगा आप इस डब्बे को दिखाइए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आता है उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं कि वो कितना पैसा डालना चाहता है या नहीं डालना चाहता है, इसमें वो अपने अपनी खुशी से कोई 5 रुपया 10 रुपया जितना भी डालते हैं वो महीने भर इसमें जमा होता है, उसको खोला जाता है तो तकरीबन इसमें 4,500-4,500 रुपये जमा हो जाते हैं हर महीने। बाकी का कहाँ से पैसा आता है? बाकी का जो पैसा है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेसर हैं, जो MBA करके किसी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर लगे हुए हैं, मैं उनसे 200-300-500 रुपये करके जमा कर लेता हूँ और इस तरह से 10,000 रुपये का जो बैर है वो हम कर लेते हैं। रेंट का इतना इशू आता नहीं है। तो कभी यहाँ के MLA से या किसी यहाँ के जो कॉरपोरेटर उनसे आपने डिमांड की कि लाइब्रेरी तो है फिर क्यों उसे बंद रखा गया, उसको बंद रखने की वजह क्या है? देखिए, मैं अभी ये फ्रेज ऐसा है कि लाइब्रेरी जब खुली थी MLA साहब ने उसको एक अपने पोस्ट पर अपने पेज पर डाल दिया कि हमने लाइब्रेरी खोल दिया गोवंडी की जनता के लिए और गोवंडी के स्टूडेंट्स का भला होगा, और वो पोस्ट डालने के बाद वो छोड़ दिया उन्होंने। तो जिस माध्यम से हमें पता चली कि लाइब्रेरी खुल गई है उसी माध्यम से मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किया। अगर आप मेरा फेसबुक पेज खंगालेंगे तो तकरीबन 2018 से लेकर अब तक मैंने कई दफ़े रिक्वेस्ट की, कई दफ़े मैंने भीख मांगा है कि सर प्लीज़ हमें लाइब्रेरी दे दीजिए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इवन काफ़ी रिप्लाई ऐसे आए हैं जो मतलब ऐसे है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ
मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं लाइब्रेरी ओपन करवा कर मैं भाग गया हूँ, लाइब्रेरी मुझे चलाने के लिए दिया गया था। मैंने जब लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था उस समय लाइब्रेरी को खड़े रह के उसके स्ट्रक्चर में मैंने हेल्प की थी। मुझे बुलाया गया था, एमएलए सर ने बुलाया था, तो मैंने बताया था कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए डेफिनेटली, और उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव भी रखा था कि आप चला लो, लेकिन चला बुक्स है उसमें बुक्स उसके अंदर कुछ उर्दू की बुक्स हैं। मैं आज कौन सी बुक्स है, कितनी बुक्स है? 15-20 बुक्स होंगी, लेकिन वो ऐसे उर्दू की जो नॉवेल्स वगैरह होती हैं वो सारी बुक्स हैं। नॉवेल्स है, जनरल नॉलेज की, बाकी जो स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली लाइब्रेरी मतलब ये होता है कि वहाँ पर एटलीस्ट एसएससी की, एचएससी की और ग्रेजुएशन की कुछ किताबें हों, कुछ रेफरेंस बुक हों, उसके अलावा यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के लिए और जो अन्य दूसरे जो कॉम्पिटिटिव नेचर्स के एग्ज़ाम होते हैं ना, वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी बुक्स कुछ कॉमन होती हैं, वो सारी बुक्स होनी चाहिए। तो वैसी कोई एक बुक नज़र नहीं आई। वहाँ पर दो बुक शेल्फ मैंने आज देखा और कुछ टेबल्स हैं, कुर्सियाँ नहीं हैं, पंखे ऐसे लगे हुए हैं, जगह है वहाँ पर अभी भी लाइब्रेरी के रूप में। तो हमने जो मैसेज किया है कि 1 मार्च तक अगर लाइब्रेरी नहीं खुलती है तो 5 मार्च के दिन हम आंदोलन करेंगे। सारे स्टूडेंट्स भी रेडी हैं आंदोलन करने के लिए। इनफैक्ट इनका ही आइडिया था कि अब आंदोलन करना चाहिए लाइब्रेरी के लिए। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद, भारत जब से आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947, उसके बाद ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स तो वैसे भी हर बार आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन जैसे भी धारावी वगैरह में भी जैसे एक FIR वगैरह दर्ज हुई थी, आपको पता होगा रिसेंटली एक ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो वो एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं देने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी के लिए जो आंदोलन होने जा रहा है। स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की बात नहीं है, स्टूडेंट्स वैसे भी आंदोलन करते रहते अलग अलग चीज़ों के लिए। अच्छा, अभी ये जो लाइब्रेरी कब से बंद पड़ी है और उसकी वजह क्या है, मतलब उसकी कोई चीज़ वजह होनी चाहिए कि वजह बंद क्यों करके रखी हुई है? अब उसकी वजह तो एमएलए सर बता सकते हैं, लेकिन मेरी जहाँ तक बात हुई थी कुछ लोगों से जो इंटरनल हैं वहाँ के, तो उन लोगों ने बताया 2019 में जब लाइब्रेरी खुली तो इलेक्शन आ गया, उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पर EVM मशीन्स इलेक्शन कमीशन ने रख दिया है, VVPATs रख दिए, इस वजह से चालू नहीं हो रही है। और वैसे खींचता चला गया और COVID-19 आ गया। COVID-19 तकरीबन 1.5 साल तक चला और उसके बाद अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं आज वहाँ पर विज़िट किया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि वो जो ग्राउंड्स के अंदर चेयर्स रखे जाते हैं, जो स्ट्रीट पर चेयर्स लगाए जाते हैं सोफ़ा टाइप, वो सारा रख कर वहाँ पर रखा गया है, उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है लाइब्रेरी को। हाँ जी, लाइब्रेरी को स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है। और लाइब्रेरी का जो बोर्ड लगाया गया था जो उद्घाटन के समय, इनॉग्रेशन के समय, वो बोर्ड भी हटा दिया गया। तो मतलब लाइब्रेरी छिन गई ऐसा लगता है? यस, मुझे तो लगता है ऐसा। इतनी मेहनत लगी है इसके पीछे, जो आपका प्रस्ताव जैसे आपने बताया कि आपने डिमांड की थी, अब इस तरीके से उसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्या डिमांड है अभी? हमारी देखिए कोई डिमांड नहीं है या जाति किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें लाइब्रेरी पढ़ने के लिए चाहिए। और 6000 स्क्वायर फीट की जगह को लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, वो पूरी 6000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी हमें चाहिए। और लाइब्रेरी जो है, अगर 8 लाख की आबादी में गोवंडी शिवाजी नगर के स्टूडेंट्स के पास एक अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी तो है ना? नहीं, लाइब्रेरी सिर्फ जगह और 4 कुर्सियां रख के लाइब्रेरी नहीं होती। लाइब्रेरी मतलब वहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पर कैमराज होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ आएंगी, वो इलाका थोड़ा सा सेंसिटिव है, वहाँ पर कैमरा होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। गेट जो है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होना चाहिए खुलने के लिए, पीने का पानी होना चाहिए वहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ होना चाहिए। अभी क्या हालत है वहाँ? अभी वहाँ पर तो सारे गेट्स क्लोज थे, मैं जब सुबह में गया तो वहाँ ताला मार के रखते हैं और बस वहाँ पर एक स्टोर रूम की तरह नज़र आ रहा है। नहीं, शाम के टाइम तो काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे हैं। अभी लाइब्रेरी के अंदर नहीं, बाहर? हाँ बाहर, अभी कुछ दिन पहले तक वहाँ पर नशा होता था, लोग बैठकर चीलम गांजा वगैरह पीते थे, लेकिन अब उसको लॉक कर दिया गया और अंदर एक गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो अंदर ब्लॉक करके अंदर रहते हैं, वो 8 बजे तक वहाँ पर होते हैं। तो बाहर चिल्ला पुकार और नशे का तो आप हाल जानते हैं, अगर अभी विजिट कर लेंगे तो आपको 2-4-10 लोग शायद मिल जाए कि गांजा फूकते हुए, गांजा पीते हुए। तो मतलब क्या माना जाए, एजुकेशन महंगी है यहाँ पर और नशा सस्ता? मुझे तो वैसे ही लग रहा है एजुकेशन के लिए लड़ना पड़ रहा है और नशे के लिए तो, हाँ नशे के लिए तो आप किसी भी गली में घुस जाइए आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार किसको माना जाए कि मतलब एजुकेशन के लिए ये स्तर गिरा हुआ है और नशे की जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही, क्राइम की जो ग्राफ है वो बढ़ती जा रही, तो इसमें ज़िम्मेदार किसको समझ सकते हैं हम लोग? देखिए, MLA जो होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में होता है,
लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर का अगर फेलियर होता है तो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी एमएलए की है। एजुकेशन अगेन स्टेट सब्जेक्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी आता है लेकिन एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट में आता है। और इसके अलावा ये जो लाइब्रेरीज़ वगैरह है ये स्टेट सब्जेक्ट का ही मैटर है, तो अगेन लाइब्रेरी जो है इनके हाथ में होनी चाहिए। और बीएमसी स्कूल्स या जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं ये नगर सेवकों की जिम्मेदारी होती है, उनकी ड्यूटी में से एक ड्यूटी है कि उन स्कूल्स को बेटर बनाया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाया जाए, बीएमसी स्कूल का विजिट किया जाए और अगर हालात वहाँ पर ख़राब है तो डेफिनेटली नगर सेवक भी ज़िम्मेदार हैं। अब जैसे वार्ड नंबर जो ये भी जो अभी वार्ड नंबर चेंज हुआ जो 138 था, तो यहाँ पे कॉर्पोरेटर समाजवादी का है, बच्चों के लोगों के अगर बात की जाए तो बच्चों को यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था, जो अभी एक नया ग्राउंड की शुरुआत हुई है, हाल फिलहाल ही उसका उद्घाटन हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए तो काम एरिया में किया जा रहा है। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि जो बच्चों के लिए यहाँ पर जैसे गार्डन हुआ तो लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, हो सकता है उसके लिए भी कुछ उनकी सोच होगी अभी तक का, उसके ऊपर काम करने वाले होंगे। सर 2017 से 2022 आ गया और 7 मार्च के दिन मुझे लगता है कि ये कॉरपोरेशन जो है डिसॉल्व ही कर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सारा कारोबार चले जाने वाला है, तो अब कब होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी से अब बिलोंग करते हैं क्या, क्योंकि ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कोई यकीन नहीं है। तो अभी इतने 4-5 सालों में अचानक आपको ऐसे कैसे याद आ गया कि लाइब्रेरी चाहिए, ठीक इलेक्शन के टाइम पर, ये समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने के लिए तो नहीं आप इलेक्शन के टाइम पे छवि खराब करने के लिए आप तो नहीं माइक पे आ गए हमारे साथ। 4-5 सालों में मुझे अभी इसलिए याद आ गया, डेफिनेटली देखिए इलेक्शन के पहले उन्होंने लाइब्रेरी ओपन करके होप दिया और बंद रखा, तो हमें भी टिट फॉर टैट मिला कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, इलेक्शन है, लाइब्रेरी खोल कर देनी पड़ेगी। वापस जैसे इलेक्शन के टाइम पे खोला और फिर बंद कर दिया, फिर इलेक्शन के टाइम पे खोल के फिर बंद कर दिया, तब क्या करेंगे, तब हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे कौन कौन लोग, कौन कौन से, मतलब किसी अपने कैसे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आपने टारगेट किया है, कहाँ से स्टूडेंट्स आएंगे, कोई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, किन लोग आपका साथ देंगे, कौन से बच्चे हैं वो? ये वही लोग साथ देंगे जिन्हें ज़रूरत होगी। अब मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं जो 200 रुपये देकर लोगों को मैं जमा कर लूँ। और रही बात समाजवादी पार्टी की छवि ख़राब करने की, तो मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने ठीक इलेक्शन के टाइम पे ही ये मुद्दा उठाया गया ना, तो कहीं ना कहीं समाजवादी की छवि की बात आ गई यहाँ पर। जी तो मैं यही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी आवे और दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट लाइब्रेरी बनाकर शिवाजी नगर के अंदर अपनी छवि अच्छी कर लेवे। तो कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि पढ़ने के लिए यहाँ लोगों को जगह नहीं है, यहाँ पे ही आपस में लोग रेंट जो पॉकेट मनी होता है उससे पॉकेट मनी कलेक्ट करके उस ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, वो जो डोनेट बॉक्स है, और उसी को जमा करने के बाद में इस लाइब्रेरी का यानी कि जो रेंट पे ली हुई जगह है उसका रेंट ये लोग पे करते हैं। क्या नाम है आपका? मतीउर रहमान सिद्दीकी। कहाँ रहने के लिए आप? हाँ रहने के लिए कहाँ पर है? 30 नंबर में। तो यहाँ पढ़ने के लिए जो आ रहे हैं आप, तो उसकी वजह लाइब्रेरी नहीं है, और जो टाटा लाइब्रेरी है वहाँ पे स्पेस कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा, 7 बजे लाइन लगाना पड़ता है वहाँ पे। कहाँ पर है ये है? टाटा नगर में। वहाँ जाना पड़ता है और 9 बजे लाइब्रेरी स्टार्ट होती है, लेकिन आपको लाइन 7:30-8 बजे लगाना पड़ता है। अब मतलब आपका पढ़ाई का टाइम है वो लाइन में लग जाता है, लाइन में लग जाता है, फिर आने 8 बजे बंद हो जाती है, फिर हमको क्या कम से कम 12 घंटा अच्छे पढ़ने के लिए, 9 से 8 हो पाता है, 2-3 घंटा वेस्ट चले जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है प्रॉब्लम ही है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या मतलब हमारे चैनल के थ्रू से माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के जो जो लोग देखेंगे इसको, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट यही कि 8 लाख की आबादी में हमको जो लाइब्रेरी जो अलॉट हुई है वो प्रॉपर लाइब्रेरी के नाम पे हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक खाली जगह दी जाए, बल्कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टाइमिंग और अपना बुक्स और उसके अलावा बैठने की टेबल्स और कैमरा इंस्टॉलेशंस वो बकायदा जो मिलती मिनिमम रिक्वायरमेंट देनी चाहिए, ताकि हम लोग टाइम बचे। यहाँ पे आप देखिए कितना क्लोज रहता है, हवा नहीं पास हो रही यहाँ पे, और ये पूरा पैक है ये। थोड़ा सा क्या है कि 2 घंटे निकल के थोड़ा सा मतलब आजू बाजू देख, हवा चाहिए, मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश, वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो रेंट आता है, जैसे इसका बताया सर ने कि यहाँ पे रेंट देना होता है क्योंकि ये रेंट पे, तो ये रेंट कौन बैठ करता है? आप भी पैसे देते हैं? कुछ कभी 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ये देना पड़ता है, और हम लोग भी जॉबलेस है स्टूडेंट, थोड़ा बहुत जो होता करते हैं, लेकिन वही 4-4.5 सर ने पता यही अमाउंट आता है, कभी 5 कभी 4.5। चलिए ठीक है, आइए कुछ लोग और हैं यहाँ पर। एक्चुअली रात का टाइम है, सर का कहना ऐसा है कि ये दिन भर में इतना भरा हुआ होता है कि यहाँ पे लोगों को बैठने की जगह नहीं होती। इसके अलावा भी और कोई एक रोड नंबर 4 पे भी कहीं पे जगह है शिवाजी नगर के, वो भी इसी तरीके से फुल होती है। यहाँ पे स्पेशल लड़कियों के लिए भी टाइम है कि लेडी स्टूडेंट जो है, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर आकर पढ़ती है,
क्या क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, क्या नाम है आपका? समीर सिद्दीकी। कहाँ रहने के लिए? मैं 12 नंबर रोड पर रहता हूँ और मैं पढ़ने के लिए यहाँ आता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शांत माहौल मिलता है और घर से बाहर जाओ तो थोड़ी पढ़ाई होती है अच्छे से, तो मैं यहाँ आता हूँ और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और आगे भी बहुत कुछ करना है। क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी तो मैं अपनी 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ और आगे भी मेरा फ्यूचर है तो उसके लिए भी मैंने सोचा है, तो उसके लिए एक अच्छी जगह चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ मिली तो मैं यहाँ आके पढ़ता हूँ। इसका रेंट है 10,000 रुपये? हाँ, 10,000 रुपये रेंट है, कुछ मेरे से जितना होता है, मैं अक्सर करके चार बार होता है तो मैं दे देता हूँ 400 रुपये तक। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं, मतलब इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ जहाँ तक पढ़ाने की बात है, एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात है, तो सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और गोवंडी में एजुकेशन का स्तर क्या लेवल पे है। उसी के लिए जहाँ पर बच्चों को जहाँ पर पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में ही कॉन्ट्रीब्यूशन करके किसी की निगरानी में, किसी की सरपरस्ती में इस तरीके की एक लाइब्रेरी खोल के रखी है जहाँ पर खुद ही लोग अपने पॉकेट मनी से पैसे बैर करते हैं और उसका रेंट और लाइट का बिल भरते हैं। तो मेरी प्रशासन से, यहाँ के आमदार जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव, मुंबई।